हेलो गईज़ तो आज हम बात करने वाले हैं बायो के कुछ एम के बारे में जिससे आपका रैपिड रिवीजन और टेस्टिंग हो जाएगी सो so गईज़ बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं सो so, इस क्वेश्चन नंबर वन पे आपको बोला गया है कि आपको मैच करना है और करेक्ट पेयर चूज़ करना है डन सो so गाइज़ याद रखिए करेक्ट पेयर चूज़ करना इज़ वेरी ईजी नाव वट यू हैव टू डू इज़ नंबर वन स्टार्स दिया है चाइटीन दिया है सेलुलोज पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलोरोनिक एसिड नाउ आप वीडियो में पहले आंसर देख सकते हो जल्दी से माफ कर दीजिए आप अगर हो कर सके तो नहीं तो सिखा देता हूँ देखिए याद रखिएगा सबसे पहला पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड ऑफ क्या बोला गया था नैग बोला जाता है ना नैग और नैम तो याद रहेगा जी ओके तो आ गया डी का वन डी का वन कहाँ दिया हुआ है दो जगह दिया हुआ है अगर आप देख सकते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते जी वेरी इजी लाइन ए नंबर स्टार्च स्टार्च जैसी आपको दिख गया तो आपको स्टार्च का याद होगा अल्फा ग्लूकोज से होता है वाइल दैट सेलुलोज इज फ्रॉम बीटा ग्लूकोज याद रहेगा ओके okay. तो ये देखते हैं आपके पास नंबर टू आंसर निकल गया, गया गाइस देखिए अगर आप ए का टू देख रहे हो कि स्टार्च इज दैट अल्फ़ा ग्लूकोज वाइल सेलुलोज इज़ बीटा ग्लूकोज डन सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है वेरी इजी लाइन अभी अभी सीखा था हमने अभी अभी हमने लाइन जो सीखा था वो करते हैं स्टार चीज़ है डैश होमो पोलीसेक्राइड तो सर जी वो ब्रांच है अनब्रांच्ड है पहले क्वेश्चन ये आता है दैट इज ब्रांच्ड दैट इज अ ब्रांच और वो किसका है अभी है होम्यो ग्लूकोज का और अभी अभी हम सीखे हैं अल्फा ग्लूकोज का सीखा था ना येस yes. वाइल और क्या सीखा है जी हमने और क्या सीखा है एंड एक्ट सर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट वेयर एज इनुलिन वेयर एज इनुलिन इनुलिन इज ए होमोपोलीसैक्रेड ऑफ फ्रुक्टोज सबको पता तो सर सर आंसर हो गया नंबर थ्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे सबसे पहली लाइन है सर यहाँ पे क्या देख दिया ये फॉस्फेट का ग्रुप दे दिया गया सो so, गई यहाँ फॉस्फेट का ग्रुप दिया गया और यहाँ एडिनिन दिया है और ये शुगर है ना तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स टू क्या बनता है ये ये बनाता है एसिड्स बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं ना ये मतलब बेसिकली अगर आपको एसिड्स के मतलब क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट बोलते हैं कि भैया मोनोमर यही है तो इसका नाम क्या होता है न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड इसमें फॉस्फेट लगा हुआ है तो हर जगह एसिड मिलेगा सबसे पहला तो ये एडीनीन है तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बगल में दिया हुआ है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडीनिन एनसीआरटी का स्ट्रक्चर है तो आप देख के एक्स और वाई फाइंड कर सकते हो और नंबर डी पे हिट कर दिया सो so, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम ये एक और क्वेश्चन आता हो विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रूबिस्को रुबिस्को के लिए क्या चीज़ करेक्ट नहीं है पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन पहले ही गलत मिल गया इट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन सो सर आंसर हो जाता नंबर वन और और सारा चीज़ सही है कि इट इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ओके इट हेल्प्स इन कार्बन फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑब्वियसली चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम ऑन रिमूवल ऑफ

नॉर्मल अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या सीखते हैं अपन अपन सीखते हैं कि यहाँ सी लगा हुआ रहता है देन यहाँ पे एक एच मिलेगा और यहाँ पे एन एच टू मिल रहा है आपको और एक सी ओ एच लगा हुआ रहता है और नीचे एक आर ग्रुप रहता है आर ये जो आर ग्रुप रहता है दैट दैट डिसाइड्स कि वो कैसा अमाइनो एसिड रहता है सो so गाइज यहाँ पे आर ग्रुप पे मेरे को दिख रहा है सी ओ एच मिल रहा है मतलब ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगा सो गाइज वट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस दिस विल बी एसिडिक अमाइनो एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम ओके आर ग्रुप इन सेरीन अभी अभी हमने समझा दिया तो सेरीन में आर ग्रुप क्या होता है सेरीन में आर ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल याद रखेगा सी एच थ्री ओ एच चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विच ऑफ फॉलिंग सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड नाउ सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड वो ऐसे अमाइनो एसिड है जो चिल्ड्रन में आपको उबर से लेने पड़ते हैं और अडल्ट में बनने लग जाते है। so, guys, answer will be arginine and histidine. हैं सो गेज आंसर विल बी आर्जिन इन एंड हिस्टेरियन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम ओके नाउ और रिप्लेसमेंट ऑफ ए ये वाला चलिए अब अच्छा क्वेश्चन रिप्लेसमेंट ऑफ ए अमाइनो एसिड बाई बी अमाइनो एसिड इन हेमोग्लोबिन कॉजेस सिकल सेलेनिमिया इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा याद हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड गोज वाइल वैलिन को वेलकम किया जाता है सो गेज वैलिन इज वेलकम्ड आंसर व्हाट होगा इसमें क्या होना चाहिए आंसर तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो गया जी जल्दी से बताइए एसिड का रिप्लेसमेंट होगा वैलिन के थ्रू तो आंसर आ गया नंबर ए मिल गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं Now, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी ऑक्सीराइबोशुगर डी ऑक्सीराइबोशुगर याद रखिएगा टू नंबर कार्बन पे होता है ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है तो आंसर होगा डी ऑक्सीजनेशन ही होता है रिमूवल ऑफ क्या चीज में भैया कार्बन में से क्या हटाया जा रहा है ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है टू नंबर कार्बन से आंसर विल बी नंबर टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम आज विच आर द फॉलोइंग आ गया कहाँ गया हमारा क्वेश्चन एक सेकेंड यही तो हमारा क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मोटा इज ए सेकेंडरी मोटाबोलाइट ये क्या बोल दिया जाएगी मेटाबोलाइट है okay. Now, as well as curcumin, in, uh, this, ये सेकेंडरी वाला ओके नाउ एज वेल एज एंटी याद रखेगा करक्यूमिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस दिसे एक जो है ना क्वेश्चन ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो पढ़ना आपको ये जरूरी है ये चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली ए माइक्रो मोलिक्यूल एनसीआरटी का आइन है ये ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द ऑब्जर्वेशन चलिए जब आपने क्या किया था ना जब आपने एसिड सेल्यूबल और इंसोल्यूबल फ्रैक्शन करते थे तो याद रखिएगा जो ऊपर रह जाते थे उनको रिटेंटेड बोलते थे और ऊपर कौन रहते थे जो एसिड इंसल्यूबल थे तो सर जी एसिड इंसेल्यूबल क्या हो गया जी यहाँ पे देखिएगा जी जल्दी से तो एसिड इंसेल्यूबल फ्रैक्शन में क्या क्या आ गए जी जल्दी से देख लीजिएगा तो ऑब्वियसली रिपिड वॉज एसिड इंसेल्यूबल और रिटेंटेड में रह गया और इसका मास कम था लाइक एट टू थाउजेंड किलो ये एट हंड्रेड टू थाउजेंड डाल्टन के कम रहता है ये लेस देन लेस देन याद रखिएगा लेस देन तो आंसर मिल गया नंबर फोर रिटेंटेड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बहुत बच्चों को नहीं समझ आता रिटेंटेड मतलब जो ऊपर की तरफ रह गया जैसे छन्नी होती है ना छन्नी में जो ऊपर रह गया और नीचे उतर गया दैट इज फिल्ट्रेट ठीक है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नौ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी जैसे बोल दिया तो याद रखिएगा एनिमल्स में मतलब बात किया कोलाजन होता है आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम नौ डाई पैप्टाइड वॉट इज द मीनिंग ऑफ डाई पैप्टाइड डाई मतलब दो और पेप्टाइड तब आपके मन में आता होगा दो पेप्टाइड बॉन्ड क्या नहीं यहाँ पे होता है दो अमाइनो एसिड होते हैं अमाइनो एसिड जितना भी अगर मान लो ट्राई पैप्टाइड बोलो तो तीन अमाइनो एसिड तो आप मेरे को बताइएगा तो अगर फाइव अमाइनो एसिड्स है फाइव अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाई हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स ओके नाउ और उसका नाम क्या बोलेंगे ओके okay, तो यहाँ पे डाईपेप्टाइट को क्या बोलते हैं जी डाईपेप्टाइट में दो अमाइनो एसिड जॉइंट विथ हेल्प ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड और एक पेप्टाइड बॉन्ड बन बनते टाइम एक पेप्टाइड बॉन्ड जब हम बनाते हैं ना एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को निकालते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन मैमल एज अ डैश कार्बोहाइड्रेट को मैमल में कैसे स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल ओके वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सबको पता है मसल और तो आपके लिवर में ये ग्लाइकोज़न को स्टोर किया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम नाउ द अमाइनो एसिड विच आर नॉट सिंथिसाइज इन द बॉडी सर कौन से ऐसे अमाइनो एसिड जिनको सिंथेसाइज नहीं किया जाता बॉडी में जिनको बाहर से लेना पड़ता है सो गज दैट आंसर विल बी एसेंशियल अमाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी कंसिडर्ड एज देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन जब बन रहा है मतलब ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा होगा और क्या बन रहा है ना प्रोटीन तो उसको सिंथेसिस बोलते हैं तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर इन द फ्लावरिंग प्लांट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ डैश

आज ही जल्दी से ना यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन सबको पता है हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है लेकिन कौन से ऑब्वियसली अगर प्रोटीन है तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड के कारण हो रहा होगा और बेसिक अमाइनो एसिड का एक कोड होता है ब्लाह बोलते हैं बी एल ए एच ठीक है तो क्या क्या हो गया बेसिकली लाइसिन आर्जिनिन हिस्टेडन याद रखेगा तो आंसर क्या बच गया जी लाइसिन आर्जिन, आर्जिनिन मिल गया आंसर नंबर फोर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विच शुगर डज नॉट डज नॉट गिव बेनेडिक्स टेस्ट कौन सा जो शुगर है जो बेनेडिक टेस्ट नहीं देता याद रखिएगा जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो नहीं देंगे बेनेडिक टेस्ट आंसर विल बी सुक्रोज सुक्रोज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम ओके विच प्रोटीन इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है ऑब्वियसली वेरी जिला रुबिस्को रुबिसको हमारे होल बायोस्फेर में मैक्सिमम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर डैश ऑप्शन नंबर वन इज होल्डिंग सेल्स टुगेदर या फिर प्रोटीन सिंथेसिस या क्लोरोफिल सिंथेसिस या सेल वॉल डेवलपमेंट आंसर विल बी क्लोरोफिल सिंथेसिस सबको पता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक और क्वेश्चन करते हैं लैक्टोज इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश याद रखिएगा लैक्टोज बनता किससे है बीटा, बीटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम नाउ ग्लाइकोप्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लाइको का कि सर जी ग्लाइकोप्रोटीन नाम दिया तो इसमें आंसर क्या मारते हैं मैं बताता हूँ देखिए ग्लाइको और प्रोटीन दिया कभी भी ऐसा गया हो ना प्रोटीन को ज्यादा पकड़ना और ग्लाइको को साइड चेन में डाल देना तो आंसर क्या हो जाता सामने वाले को साइड में डाल देना ठीक है जैसे एक होता है प्रोटीन ग्लाइकन दो टर्म में आप कन्फ्यूज हो सकते हो इसीलिए तो आंसर विल बी नंबर वन मोर देन दो सौ अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट एटेट साइड चेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नाउ द चाइटीनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आइस

फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये इसमें आंसर कर मैं आपको पता हाइड्रोफोबिक दिया ईस्टर दिया हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वन लाइन पे आंसर आ गया ईस्टर बॉन्ड्स ईस्टर बॉन्ड आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं प्रोटीन में बेसिकली वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको लिपिड्स में देखने को मिल सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नाउ आ गया हमारा क्वेश्चन यस द कैटेलिटिक एफिशियंसी ऑफ टू डिफरेंट एनजाइन कैन भी कंपेयर बाय देयर डैश याद रखिएगा दो कभी भी कैटेलिटिक एफिशिएंसी कंपेयर करना है आप माइकलिस मेंटेन को उठाते हो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को उठाते हो केएम वैल्यू जो बोला जाता है माइकलिस कांस्टेंट उसको उठाते हो चलिए याद रखिएगा केएम वैल्यू एनसीआर में दिया हुआ है दैट्स वाई ना एक और क्वेश्चन करते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड आर द बु बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड ईच न्यूक्लियोटाइड यहाँ टर्म में फंसाया ईच बोल दिया ईच न्यूक्लियोटाइड इज कम्पोजिट मॉलिक्यूल फोर्ड बाय डैश आंसर क्या होना चाहिए बेस शुगर और फॉस्फेट अगर इसमें एन लगा दिया तो ये तो पॉलीमर हो गया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर मीन्स न्यूक्लिक एसिड हो गया ये चलिए अब आज का करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं अबाउट नाइंटी एट परसेंट ऑफ द मास इन एवरी सेल ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिजम इज कम्पोज ऑफ सिक्स एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड डैश तो आंसर क्या होता है जी फॉस्फोरस एंड सल्फर याद रख लीजिएगा सो so गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको एम सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए और लाइक करिए एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पर कर सकते हैं मैसेज और अभी तक सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा रेगुलर वीडियोस आएंगी एजुकेशनल रिलेटेड स्ट्रेटेजीज़ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं सो गाइस सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए थैंक यू सो मच